जीतेगा नेता कैसा हो? पप्पू भैया जैसा हो। सुनो बस सुनो, हाँ तो भाई और बहनों, प्रधान जी यहाँ कोई बहन ना, तो चुप रहे, कोई हो ना हो ऐसा कहनी पड़े। हाँ तो भाई और बहनों, अब तो जितने प्रधान बने उन प्रधानों ने सारे गांव को तुम्हें खूब जमकर लूटा। अब कोई मौका तो मुझे दो, मैं इस गांव की सारी समस्या का समाधान कर दूंगा, इस गांव को स्वर्ग बना दूंगा और तुम सबको स्वर्गवासी बना दूंगा। और भाइयों, मैं इस गांव में दो रेलवे स्टेशन, एक उस कोने पे एक उस कोने पे, और गांव के बीचों बीच एक हवाई अड्डा बनवा दूंगा। वाह भाई वाह, हमारे पप्पू भैया यानी कि हमारे प्रधान जी पे तो भाषण देने आ गए। प्रधान जी को चूतिया मान रहा क्या? प्रधान जी सिकल ते तो दिखे पर है ना। प्रधान जी कुछ नहीं। पप्पू भैया जिंदाबाद, पप्पू भैया जिंदाबाद, पप्पू कभी जिंदेगा, पप्पू भैया जिंदेगा। कौन सी भाभी, कौन है तू? मैं पप्पू प्रधान। ठीक है भाभी, बस मेरे पलंग का ध्यान रखिए। क्या बढ़गा तेरा पलंग में? मेरे कहने का मतलब ये भाभी कि अब का मुझे पलंग भेज दीजिए। और मैं खाट पर दूं तो? ना 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 ना, ऐसा जुलम मत करिए, आपको तो पलंग भेज दीजिए, फिर जा कहीं देती रहिए। हराम के बच्चे, मैं सुलाऊंगी तुझे पलंग पर। अभी अरे बहन, तो ना खम मुखा हमारे प्रधान पे चप्पल बजा मारी। इसका चुनाव चिन्ह है पलंग, तो तरीके से बोलता है इसका ढंग है बोलने का।